जो लड़कियाँ मेडल लेकर उस वक्त तो सारा देश तालियां बजा इनके साथ सारे लीडर फोटो और जब ये इनका न्याय की बात है सारे पीछे हट जाए यदि एक गेम और एथलीट का शामिल किया जाए वर्ल्ड लेवल पर जिसमे झूठ सबसे ज्यादा कौन बोलागा तो मैं वायदे के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री आई बार गोल्ड ले आवेगा इसके लिए तो आगे कोई भी बच्चा इस खेल में नहीं कामयाब हो पाएगा हर बच्चा सोचेगा कि जब हमें अभी न्याय नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा तो पीछे उसका बाप का खजाना गई ना उसका दादा खजाना गई पीछे देश की जनता का टैक्स देश की धरोहर को मान सम्मान के लिए दिया गया ना तो उसकी पिछली पुस्ता में कोई खिलाड़ी ना आज कोई खिलाड़ी ना भी विषय होना वो पीछे किस मुद्दा उल्टे मांगे के हो टीवी में सोशल मीडिया में या फिर अखबारों में हम कई बार बहुत सारी चीजें पढ़ते और देखते हैं और देखकर छोड़ भी देते हैं लेकिन पहलवानों का मुद्दा जो जंतर मंतर दिल्ली के जंतर मंतर से चला हुआ है उसके बावजूद आज के दिन जब ये लगता है फिलहाल जखोली गांव से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनको इस मुद्दे से फ़र्क पड़ता है और वाकई में इनकी भावनाएं आहत हैं कि देश के खिलाड़ियों के साथ ये हो क्या रहा है फिलहाल जखोली में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की टीम पहुंची है और गांव की अगुवाई करते हुए उन्होंने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि 25 तारीख को खटखट टोल प्लाजा पर जब विनेश फोगाट साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक वहां पहुंचेंगे तो गाम राम की ओर से भी एक जनसंख्या एक बहुमत लोग यहां से पहुंचेंगे और उनका मान सम्मान करेंगे फिलहाल आवाज़ गांव गांव-गांव से उठने लगी है और प्रचार ये गांव गांव में होने लगा है कि ये वाकई मुद्दा प्रासंगिक है और हर एक की हक की लड़ाई से जुड़ा हुआ है फिलहाल इन लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ इन लोगों ने सोचा है और आगे की रूपरेखा के फलस्वरूप क्या ये लोग चाहते हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो बैग न्यूज के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं भैया जो सोशल मीडिया पर किसान कैमरा वर्ग की मजदूर की छत्तीस बरादी भाईचारे की आवाज उठाते हैं आप ये बताइए क्या रूपरेखा है पच्चीस तारीख के खटख प्लाजा को लेकर देखिए देश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं जो हमारी बहन बेटियां विदेशों से मेडल जीत के ले कर आती हैं आज वो सत्ताईस दिन हो गए सड़क पे बैठी है उससे कुछ दूरी पे प्रधानमंत्री का घर है राष्ट्रपति का घर है बीजेपी का अध्यक्ष का घर है सभी मंत्रियों के घर है वहाँ पर कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा तो अगर आम आदमी के साथ कोई घटना घट जाए उसकी सुनवाई कैसे होगी तो इसलिए हमने एक आवाज़ उठाई है सच्चाई की जो अपनी बहन बेटियां और जो सत्यपाल मलिक है जिन्होंने देश सारा देश में घूम घूम कर आवाज उठा रहे हैं भाई हमारे चालीस सैनिक शहीद हुए थे वो किसकी चूक हुई थी उनका सच्चाई बताने पर और बहन बेटियों को मान सम्मान दिलाने के लिए पच्चीस तारीख को खटखट टोल प्लाजा है एक बहुत बड़ा जल उमड़ेगा उसके लिए कैथल जिला के हरेक गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कैथल जिला की संख्या में सबसे बड़ी संख्या हरियाणा में कैथल जिले की होगी हाँ गाँव के लोगों से भी हम बात करते हैं क्या कुछ उनका मानना है सर बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है जी आपका कैथल न्यूज में हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर क्या नाम है आपका सुभाष है जी इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं और खासकर जो खुली गांव के परिप्रेक्ष्य में बताइए ये बहुत गलत हो रही है जी जो लड़कियां मेडल लेकर आवे हैं उस वक्त तो सारा देश तालियां बजा हुआ इनके साथ सारे लीडर फोटो थ्रू आवे हैं और जब ये इनका न्याय की बात है सारे पीछे हट जाए कोई इनके साथ तक मिल लड़ता फिर एक जाति विशेष का नाम दे दे इसने उस टाइम तो सारा बेटी सबकी बेटियों हैं फिर एक जाति विशेष की हो जाए क्यों ये सारी इलेक्शन की रूपरेखा है इनकी वोटा के मारे बकाया जो ले लिया फिर बाद में लड़ाई जहाँ में लोगों ने ये बहुत गलत हो रहा है जी हम तो इसके साथ खड़े हैं और आवाज़ उठा रहे हैं और इकट्ठे होगा हम टोल टोला पर भी पहुँचेंगे अच्छा पूरे जखोली गांव का सहयोग गा, आप बता रहे हैं और फिलहाल आपसे भी मैं जानना चाहूँगा क्या इस प्रोग्राम के जरिए सरकार पे या प्रशासन पे दबाव बनाने की कोशिश करेगा फिलहाल ये पूरा का पूरा आंदोलन हाँ जी क्यों नहीं बनेगा जब हम जागरूक होंगे हम एकजुट होंगे सरकार क्यों नहीं दबेगी पहले तेरह महीने वहाँ बैठे रहे सरकार दबी या नहीं दबी नहीं। क्यों हमारा संगठन था इसीलिए दबी हमारा दबाव बना सरकार पे जरूर दबेगी आज हम जखोली गांव वालों को बताना चाहते हैं कि अगर जखोली हमारा साथ देती है किसान यूनियन का तो हमारे बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा अगर इस न्याय नहीं मिला नहीं। तो आगे कोई भी बच्चा इस खेल में नहीं कामयाब हो पाएगा हर बच्चा सोचेगा कि जब हमें अभी न्याय नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा तो मैं आज हम जखोली गाँव में इसलिए आए हैं कि जोखोली गाँव में कहना की वहाँ पे पहुँचो और इस सरकार ताना इस सरकार को दबाओ बिल्कुल कोई गांव से सूचना सुनने को मिल रहा है कि कोई बस दे रहा है कोई गाड़ी दे रहा है एक बड़ी संख्या में लोग अगवाई भी कर रहे हैं आगे आ रहे हैं आंदोलन को मजबूत करने के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं भाई साहब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश है जो देश की धरोहर बेटियाँ जंतर मंत्र पर छब्बीस दिनों से बैठी हैं जो माफी वीर प्रधानमंत्री का दिल अभी तक नहीं पसीजा हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आंखें खोलिए देश की बेटियों को न्याय दीजिए नहीं तो आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं भाजपा से बेटी बचाओ का नारा आपने देना था वो आपके लिए अच्छा था भविष्य में इसके परिणाम आपके लिए बहुत खतरनाक होंगे अगर आपने कोई जल्दी फैसला नहीं लिया तो और खटकल टोल पर अभी तक हमारे पास जो सूचना आई है पाँच लाख के आसपास आदमी वहाँ जुड़ सकता है दो लाख आदमियों की सूचना हमारे पास आ चुकी है कि दो लाख आदमी आज जोश में है वहाँ पहुँचने के लिए आज की डेट में।, में दो लाख है चौबीस तक और भी जोश आएगा पाँच लाख आदमी वहाँ जुड़ सकता है तो जो गांव से कुछ और भी ग्रामीण मेरे साथ मौजूद सर बहुत बहुत स्वागत है क्या नाम है आपका मलिक जी आपके गांव में भारतीय किसान यूनियन ग्रुप की टीम आई है खासकर गांव गांव जाकर ये अगुवाई कर रही हैं कि देश की बेटियों के साथ जुड़िए विनेश फोगाट साक्षी मलिक बजरंग पुनिया जो वहाँ धरने पर बैठे हैं उनका साथ दीजिए आज नहीं वरना फिर ये कल किसी और के साथ होगा तमाम घटनाक्रम है आपका गाँव या आप इसको कैसे देखते हैं सबसे पहले तो मैं अपने जो किसान यूनियन के साथी आए हैं उनका गाँव के आने पर स्वागत करता हूँ जी। और जिस भी मकसद के लिए आया हम उसको पूरा करेंगे और उनके साथ रहेंगे बाकी दूसरी बात प्रधानमंत्री की एक देश को ऐसा झूठा प्रधानमंत्री मिला है जो हर मुद्दे पर झूठ बोलता है एक बार एक तरफ तो कहता है कि मैं देश बचा बेटी बचाओ देश बचाओ और दूसरी तरफ हमारी बेटियाँ हमारी लड़के हमारे बच्चे हमारे पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो दर पर दिल्ली बैठे हुए हैं उनकी तरफ कोई देखनी उनकी सुनवाई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही नहीं। सभी संगठन उनके साथ हैं हम भी उनके साथ हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई उसके अलावा किसानों के साथ बार बार हर कदम पर धोखा किया जा रहा है जहाँ भी किसान मीटिंग करते हैं चाहे सत्यपाल मलिक है उनके साथ विचार विमर्श करने के लिए सिर्फ मीटिंग थी उनको जलील किया गया उनसे गलत बोला गया उनको थाना में लेकर गए इसके लिए हम सरकार को चेतावनी देते हैं यदि इसी प्रकार से किसानों के साथ यही बर्ताव रहा तो किसान आंदोलन की राह पकड़ने पर मजबूर होंगे जिसके जिम्मेवारी प्रधानमंत्री पर होगी बिल्कुल अभी एक और बयान चल रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह डब्ल्यू के पूर्व अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि ये मेडल मात्र पंद्रह रुपये का है अगर असली औकात है तो अपने पैसे भी लौटाएँ खिलाड़ी आपकी प्रतिक्रिया ये बिल्कुल झूठा आदमी है बीजेपी का चाहे कोई बलात्कार करो किसी भी प्रकार की गिनोनी हरकत करो बीजेपी चाहे किसाना इस पर जो गाड़ी चढ़ाई थी तो उनका मामला है कि जो भी जिन्हें बीजेपी ने किसी भी नेता ने जो हरकत करी है वो बीजेपी ने उनका बिल्कुल साथ दिया है ये बल्त्कारियों के साथ और गलत आदमियों के साथ हत्या करने वालों का साथ देती है सरकार बिल्कुल गलत है और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ब्रिजभूषण ये झूठ बोलते हैं उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके उसको अभी तक तो अंदर होना चाहिए था और यदि जैसे कबड्डी है, है या दूसरे पहलवान है जो गोल्ड मेडल लाते हैं यदि एक गेम और एथलीट का शामिल किया जाए वर्ल्ड लेवल पर

ना तो उसकी पिछली पुस्ता में कोई खिलाड़ी ना आज कोई खिलाड़ी ना भी विषय में होना वो पीछे किस मुद्दा उल्टे मांगे के है वो एक सांसद है कि क्षेत्र का है अपना दायरा में रह नहीं तो हिंदुस्तान की जनता है दिखा देगी बताए देगी के यहाँ फालतू बख्वास करनी बंद करते हो बिरजू गुंडा है फालतू कुछ को नहीं उसको अपनी औकात मालूम होनी चाहिए इतने गिरे काम कर रहे ऐसे ऐसे बयान देता है वो उसको अपनी औकात नहीं पता क्या। कि क्या है किसान से टकराने की हिम्मत हो ही किसी में आज तक जो एडे एड्डे बयान दे वाए तो वो अपने औकात में रहे ऐसे बयान मत दे बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2024 से पहले ये कवायद शुरू हो गई है गांव गांव जाकर जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन लोगों को जागरूक कर रही है और कह रही है कि खिलाड़ियों के मुद्दे के साथ जुड़िए फिलहाल चखोली गांव के ग्रामीण आप देख सकते हैं और इन्होंने भी ठाना है कि ये खटकर टोल प्लाजा के इस संघर्ष में खासकर खिलाड़ियों के संघर्ष में शामिल होंगे और उनकी ताकत को और मजबूत करेंगे फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय कैमरा सहयोगी अजय कुमार के साथ